गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बच्चों हम देख रहे थे थप रोटी और थप दाल। रेखा जैन जी ने लिखा हुआ एक छोटा सा नाटक है और नाटक हमने पूरी तरह से पढ़ा है। कैसे खेलना है मैंने आपको समझाया है, कभी खेलना है। अभी कोरोना के वजह से तो स्कूल में हम ये नाटक नहीं किया करते, ये रंगमंच में। और ये रंगमंच क्या है, हम हर समय हर वक्त इस धरती के रंगमंच पे हर टाइम एक नया नाटक करते ही रहते हैं, लेकिन ये हमें जानबूझ के किया हुआ एक नाटक है थप रोटी थप दाल। इसका नाम थप रोटी थप दाल क्यों है, तो रोटी बनाते समय जो आवाज़ आती है वो थप थप ऐसी होती है, या तो एक खेल है रोटी या दाल रोटी बनाने का खेल है, इसलिए इसको थप रोटी थप दाल या क्या है थप रोटी थप दाल जो बनाने का खेल है वो हमें खेलना। ये पार्ट पूरी तरह से छोटा सा नाटक है, हमने पूरी तरह से पढ़ा है समझा है। समझ में आया ना सबको बच्चों, समझ में आया है? तो ठीक है चलो, अभी आज इस तशिका में इसका जो प्रश्न और उत्तर सवाल एंड जवाब क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो हमें देखने हैं। तो अपने अपने टेक्स्ट बुक अपने सामने रखो और जैसे मैं आपको ये सॉल्व कर रहा हूँ आप ध्यान से देखो, आपका ध्यान होना चाहिए। अब कि हर पार्ट पे हम एक टेस्ट लेते हैं 10 मार्क की या 20 मार्क की, उसी समय अगर आप मैं पढ़ाता हूँ तभी लिखने की कोशिश करते हो तो मत करो, सिर्फ ध्यान दो। अगर आपके दिमाग में ये आंसर बैठ गए तो हिल नहीं सकते, बाद में आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है सिर्फ, ठीक है। तो देखो, कोई और शीर्षक, कोई और शीर्षक मतलब इस नाटिका को क्या शीर्षक है, थप रोटी थप दाल। इसके अलावा इसके बावजूद और कोई शीर्षक दे सकते हैं हम, ये इसमें हमें कोशिश करना है। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल क्यों है, तुम इससे क्या शीर्षक देना चाहते हो। तो थप रोटी थप दाल पहले ये शीर्षक क्यों इसको पढ़ा है वो देखते हैं। नाटक का नाम थप रोटी थप दाल इसलिए है क्योंकि इस नाटक में सारे बच्चे मिलकर रोटी और दाल बनाने का खेल खेलते हैं, इसलिए इस नाटक का नाम क्या दिया है, शीर्षक नाम है क्या, शीर्षक क्या रखा है, थप रोटी थप दाल। तो और क्या शीर्षक दे सकते हो वो आपके दिमाग से देना है, आपको क्या लगता है क्या दिया तो चलेगा। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ, चोर बिल्ली की पिटाई, यानी कि आखिर में क्या होता है, एक कैरेक्टर ऐसा भी है जो बिल्ली बन जाती है एक लड़की, और खाना बन जाता है, बनने के बाद सब बच्चे खाना खाते हैं और जो बचा हुआ खाना है वो रखते हैं, उसमें से दूध से बनाए हुए कि कुछ मक्खन है मलाई है वो सब सिंके के ऊपर रखते हैं और रोटी भी सिंके में रखते हैं, बाकी सब सामान बंद करके खाने के चीज़ें जो है बंद करके रखते हैं और सब खराटे लेते हैं मतलब सो जाते हैं गहरी नींद में जाते हैं, तभी वो बिल्ली आती है और वो खा के चली जाती है और आखिर में सब उसको ढूंढ के उसकी पिटाई करते हैं। तो इसके वजह से इसको ये भी नाम दिया जा सकता है कि चोर बिल्ली की पिटाई, यानी कि वो चोरी करके खाना खाती है, बनाने वक्त वो तो आई नहीं, वो बिल्ली बन के घूम रही थी और खाना बनने के बाद वो ढूंढ के खाने के लिए आई और खा के जाती है, सब बच्चे उसको मार के पकड़ के पीटते हैं, इसलिए ये भी नाम इसको शीर्षक दे सकते हैं, चोर बिल्ली की पिटाई। आओ पकाए दाल रोटी, ये भी नाम इसको हम दे सकते हैं, यानी कि ये भी एक खेल है, आओ पकाए दाल रोटी। और तीसरा नाम है रोटी बनाने का खेल। इनमें से दो आपको लिखने हैं, कौन से भी दो आप लिखो, या अगर आपको कुछ अलग समझ में आया है अलग सूझ रहा है कुछ तो वो भी नाम आप दे सकते हैं। अभी आवाज वाले शब्द, आवाज वाले शब्द क्या है, देखो इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हो वो बताना है। इस नाटक में कौन सा खेल खेला गया है, नाटक यानी कि थप रोटी थप दाल, ये खेल, उससे पहले बच्चे और कोई खेल खेल रहे थे,
तो तुम कौन कौन से खेल खेलते हो बच्चों लोग? बच्चों आप जो खेल खेलते हो खेलते हैं, आपको जब फुर्सत मिलती है खेलने के लिए, घर से परमिशन मिलता है, आप ग्राउंड पे जाते हो या स्कूल में रहते हो, तो रिसेस में भी कोई खेल खेलते हो आप? हाँ, बहुत सारे खेल हैं आप खेलते हो, जो खेल खेल खेलते हैं आप वही लिखने हैं यहाँ पे। तो देखो मैंने कुछ ऐसे ही खेल यहाँ पे लिखा है, पकड़म पकड़ाई। कौन कौन से खेल है? पकड़म पकड़ाई एक खेल है, मतलब एक दूसरे को हम पकड़ पकड़ के खेलते हैं। चोर सिपाही, तो कोई चोरी करके भागता है तो उसे पकड़ने वाले हमारे कौन है? पुलिस है, सिपाही है, वो उन्हें पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं, या उन्होंने कुछ चोरी किया है वो माल उनसे छीन लेते हैं, उन्हें कुछ कड़ी सजा दे के छोड़ दिया जाता है। ये भी एक खेल है, बच्चे लोग अक्सर ये खेल खेला करते हैं। छुपन छुपाई, यानी कि किधर जाके घर के कोने में छुपते हो, टेबल के नीचे छुपते हो, और ढूंढने वाला एक होता है, उसके ऊपर राज होता है, वो आपको ढूंढ के, सबको ढूंढ के निकालता है। जब जिसको फर्स्ट टाइम ढूंढा है उसके ऊपर दूसरा राज चला जाता है। ये भी एक छुपन छुपन छुपाई ऐसा एक खेल है। अक्कड़ बक्कड़, अक्कड़ बक्कड़ भी एक खेल आप खेलते हो, मैंने देखा है ग्राउंड पे। गुड़िया गुड़िया, यानी कि कपड़े की गुड़िया बनाते हो और उसके साथ खेलते हो, ये खेल मैं भी बचपन में खेला हूँ। घोड़ा घोड़ा, यानी कि एक दूसरे के पीठ पे बैठना, या ऐसा दोनों ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के तीसरा उसमें टांग डाल के बैठता है और सब भागते हैं, वो खेल है घोड़ा घोड़ा। क्रिकेट, क्रिकेट तो आपको सबको मालूम है, सब खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, खो खो खेलते हो, कबड्डी खेलते हो, बहुत सारे वैसे खेल है, आपको जो चाहे लिख लीजिए। ठीक है, सोच कर बताओ, अभी क्या करना है आपको? सोच के बताना है, नीना चिन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती होगी? क्यों बनवाना चाहती होगी नीना टिंकू और किससे? चिन्नू और टिंकू को दाल बनवाने के लिए नीना कह रही है, क्यों ये आपको लिखना है। तो क्या वजह थी? एक तो उन्हें लग रहा था कि इन्हें चूल्हा जलाना नहीं आता होगा, क्यों, और दाल, जब दाल भी बनाने, वैसा अक्सर औरत लोग या लड़की लोग ये खाना बनाने का काम करते हैं, तो इन बच्चों का जो चुन्नू और टिंकू है, ये दो बच्चे हैं इस नाटक में, इनका मजाक लेना था, इनका हाशिया उड़ाना था इन लड़कियों को, इसलिए उन्होंने क्या किया? देखो इसका आंसर कैसे देंगे आप। चुन्नू और टिंकू को आग जलाना नहीं आता था, वे अच्छी तरह दाल बनाना भी नहीं जानते थे। नीना चाहती होगी वो दोनों परेशान होंगे, तभी सब उन पर हंस पड़ेंगे और मजा लेंगे। उनका मजा लेने के लिए टिन्नू और चिन्नू को दाल बनाने के लिए नीना कह रही थी, उनका मजा लेने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए, क्योंकि उनको आग जलाने नहीं आएगी, आग आग से धुआं उठेगा, धुआं आग में चला जाएगा तो बहुत मजा आएगा, वो रोएंगे, तभी उनका मजा लेना इनको बहुत पसंद था, नीना और सब लड़कियों को, इसलिए उनको बताया होगा। आया समझ में? एक दो तीन लाइन में इसका जवाब दे देना है। ख, बच्चों ने खाने पीने की चीजों छींके में क्यों रखी? जो छींका आपको मैंने निकाल के दिया था, छींका कैसा होता है, ऐसे उसको रस्सी होती है, तीन रस्सी होती है और ये ऐसा बना हुआ रहता है, ये इधर बंधा हुआ रहता है, हाँ ये है टोकरी है, और इसमें जो रोटी रखी होगी, जो भी रखा है खाने की चीजें है इसमें ऐसी, ये है छिंका, तो इसमें ही क्यों रखा जो बचा हुआ खाना था? हाँ बच्चों, आपको जब पार्ट तो आपने पढ़ा है, पढ़ाते समय मैंने सब आपको बताया है उन्होंने क्या क्या किया, क्यों इसमें रखा। तो आपको जवाब देना आना चाहिए अभी, क्यों रखा होगा? तो देखो, बच्चों ने खाने पीने की चीजें छिनके में इसलिए रखी ताकि उन्हें कोई चुरा ना ले, जैसे कि बिल्ली आके खाएगी, चूहा आके खाएगा, कुत्ता आके खाएगा, तो ऊपर रखा तो कोई खा नहीं पाएगा, इसलिए वो खाने पीने की चीजें उन्होंने छिंके में रखी थी। ठीक, समझ में आ रहा है ना बच्चों?
चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा फिर मीठा क्यों बताया? चुन्नू को जब पूछा गया कैसी बनी है दाल, तब चुन्नू ने पहले क्या बताया? खट्टी बनी है। और बाद में वो बोला नहीं 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 मिट्टी बनी है। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो देखो, चुन्नू ने मुन्नी और लड़कियों को चिढ़ाने के लिए, मतलब जिन लड़कियों ने पूछा था उनको चिढ़ाने के लिए पहले उन्होंने क्या किया, बहुत खट्टी बनी है ऐसा किया। और जब पहली दाल को खट्टा बताया, पर मुन्नी ने गुस्से से उसको आंख बड़ा करके ऐसा देखा, खट्टी बनी है, तभी उन्होंने पलटी मारी और बोला नहीं नहीं बहुत मीठी बनी है, हाँ? मतलब पहले चिढ़ाने के लिए खट्टी बनी है ऐसे बोला। और बाद में मुन्नी ने उसको क्या किया, आग दिखाया, गुस्से से आग दिखाया, तभी वो बोला नहीं नहीं बहुत मीठी बनी है। तो देखो देखो बच्चों, अगला सवाल है, मट्टा बनाई है, क्या बनाई है, सॉरी, सोच कर बताओ कौन कौन से खेल खेलते हो, ये हुआ, सोच कर बताओ ये हुआ, उसमें तीन सवाल पूछा है, नीना चुन्नू और टिंकू से ही दाल क्यों बनवाना चाहती थी, दूसरा है बच्चों ने खाने पीने की चीज़ें ही छिंके पे क्यों रखी थी, चुन्नू ने दाल को पहले खट्टा बाद में मीठा क्यों बताया। आपको आया समझ में? तो आगे देखिए, तुम्हारी बात अभी क्या है, तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है, कौन बनाते हैं आपके सबके घर में खाना, कौन बनाते हैं, उनका नाम लिखना है। माँ बनाती होगी, बहन बनाती होगी, आपकी दीदी बनाती होगी, या नानी बनाती होगी, या कोई खाना बनाने वाले अलग रहेंगे, हाँ? तो देखो, जो बनाते हैं उनका नाम लिखना है। तुम्हारे घर में खाना कौन बनाते हैं, तुम खाना बनाने में क्या क्या मदद करते हो, नीचे दी गई तालिका में लिखना है। खाना कौन बनाते हैं और बनाते समय आप उसमें आपका योगदान क्या रहता है, आप क्या सहायता करते हो, आप उसमें से कौन सा काम करते हो, ये आपको लिखना है। तो देखो, मैंने लिखा है खाना कौन बनाता है तालिका में, तो मेरी माँ खाना बनाती है। मैं मदद क्या क्या करता हूँ, देखो मैं घर में मदद, आपको जो आप मदद करते हो वही लिखना है, झूठ मूठ का कुछ भी मत लिखो, हाँ? आप जो करते हो कुछ ना कुछ आपको काम मिलता ही है, कभी बाजार जाके कुछ सब्जी खरीद लाके हो लाते हो, लाई हुई सब्जी धो के देते हो, नहीं तो काट के देते हो, कुछ ना कुछ, नहीं तो काटने के लिए छुरी चाकू दे देते हो, हाँ? पानी लगता है तो पानी देते हो, बर्तन अगर बर्तन अलग जगह पे रखे होते हो वहाँ से एक बर्तन उठा के देते हो, ये भी आपका उसमें योगदान है, यानी कि खाना बनाने में जो काम करना पड़ता है वो भी छोटा मोटा का हो वो आपका काम है, तो वही लिखा तो भी चलता है। देखो, पानी लाकर देना ये भी एक काम है, बर्तन पकड़ना या बर्तन लाके देना, बर्तन धोना, धो के देना, सब्जी धोना या सब्जी काटना, काटने का काम अक्सर आप बच्चों को नहीं दिया जाएगा क्योंकि तेज वाला चाकू से अगर आप काटते हो तो आपकी उंगली भी कट सकती है, इसलिए काटने का काम अक्सर आपको नहीं मिलता है, लेकिन धोने का काम आप कर सकते हो। सभी को खाने के लिए बुलाना, अभी खाना बनने के बाद अगर परोसना है, खाना सबको देना है, तो जाओ सबको बुला के लाओ, सबके लिए पानी भर के दे दो, ये काम आप कर सकते हो या करना है आपको। मैं क्या मदद करता हूँ, अभी इसमें ये काम हम कर सकते हैं, लेकिन आप क्या क्या मदद करते हो वही आखिरी तालिका में लिखना है। हाँ, क्या करते हो, पानी लाकर देते हो, तो हाँ मैं पानी लाकर देता हूँ। बर्तन पकड़ने का है या बर्तन ला के देना है, तो हाँ मैं बर्तन ला के देता हूँ। सब्जी धोना है, तुम सब्जी धोते हो या सब्जी काट के देते हो, या बाजार से सब्जी लाते हो उसमें से जो भी करते हो, तो कभी कभी करता हूँ या कभी नहीं करता हूँ, सब्जी तो नहीं काटता हूँ, अगर काटता हूँ तो नहीं लिखो, सब्जी धो के देता हूँ तो हाँ लिख सकते हो अगर देते हो तो, हाँ। सभी को खाने के लिए बुलाने का काम आप करते हो, तो हाँ
बच्चों को ही ये काम करना पड़ता है। जाओ बच्चों सबको बुला के लाओ, अभी खाना बन गया है, खाना लग गया है, अब आके सब खाना खाएंगे, सबको बुलाओ, ऐसे बोलते हैं घर में। तो आप वही काम अक्सर करते ही हो, ठीक है। तुम क्या बनाते हो? अभी आपके इसके आगे का है, तुम क्या बनाते? इन बच्चों की जगह तुम होती या तुम होते तो खाने के लिए कौन से 3 पकवान बनाती या बनाते? उन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती, पता करो और सूची बनाओ। आपको क्या करना है? बच्चे भी खाना बना सकते हैं, हाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे लड़कियों के लिए दिया है, लेकिन बच्चे भी खाना बनाते हैं, लड़के भी खाना बनाते हैं और आदमी भी खाना बनाता है, ठीक है। तो इस इधर क्या बना है? दाल रोटी मट्टा बना है या मक्खन बना है, लेकिन आप क्या क्या बनाओगे? अगर आपको एक समय दिया कि आज का या अभी दोपहर का खाना आप बनाओ, तो आप क्या क्या मेनू क्या बनाएंगे? हाँ ये आपको सोच के बताना है, और उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो भी आपको लिखना है। तो देखो, खीर, मैं तो खीर बनाऊंगा, हलवा बनाऊंगा और पूरी बनाऊंगा, ये 3 चीज़ें। और पूरी बनाए तो सब्जी भी बनानी पड़ेगी, तो 3 नहीं दिया है तो चौथी आप तुम लिखा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। अब इसके लिए, इसको बनाने के लिए क्या क्या जरूरत, ये क्या क्या आपको लगेगा, क्या मटेरियल लगेगा वो लिखना है। अभी खीर बनाने के लिए पतीला लगेगा, यानी कि टोप लगेगा, बर्तन, कलछी, यानी कि कलछी यानी कि कैची लगेगी, छोटी कलछी, दूध पानी लाने के लिए दूध लगेगा, चावल लगेगा, पानी, मीठा बनाना है तो शक्कर लगेगा, इलायची लगेगी, और भी अगर अब और टेस्टी बनाने का है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग उसमें मटेरियल यूज होता है, तो और भी आप लिख सकते हो। हलवा, हलवा बनाने के लिए कढ़ाई की ज़रूरत है, कलछी की ज़रूरत है, आटा, घी, पानी, शक्कर, और बादाम, पिस्ता, जो भी उसमें आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो वो हलवा में आएगा। अभी पूरी बनाने का है, पूरी बनाने के लिए आटा गूंदने के लिए एक थाली चाहिए, बड़ी झरना चाहिए, अगर तली हुई पुली निकालने के लिए कढ़ाई से, उसको छासनी भी बोलते हैं हम, आटा, नमक, अजवाइन, घी, तलने के लिए घी तो चाहिए, तेल आदि, घी ऊपर लगाते हैं तलने के लिए, ऑयल में या तेल में हम तलते हैं उसको, वो पूरी बनी। अभी पूरी बनने के बाद एक सब्जी बनानी का, समझो आलू की सब्जी बनानी है तो आलू लगेगा, मिर्च लगेगी, धनिया लगेगी, राई, मोरी, जो उसमें मसाले की चीज़ें यूज़ करते हो वो लगेगी, उसको ऑयल लगेगा, और मेन चीज़ है ये सब बनाने के लिए आपको गैस स्टोव या जलाने का चूल्हा जलाने आना होगा, नहीं तो वो खाना नहीं बनेगा। चलो आगे चलते हैं, देखो पन्ना नंबर 90 पन्ना नंबर पे आइए। मुट्टा बनाइए, अभी मुट्टा क्या बनाना है? सरला ने कहा मैं दही का मट्टा चला दूंगी, मट्टा बनाना है आपको, दही का मट्टा बनाना है। दही का मट्टा चलाने का मतलब है दही बिलोना। अभी बिलोना दही से लस्सी या छाछ बनता है, दही बिलो के, बिलोना यानी कि उसको रही से घुसेड़ देना, ऐसा तभी क्या बनता है, मक्खन आता है। दही घुसेड़ने के बाद ऊपर मक्खन आता है, नीचे जो रहता है पतला वाला वो छाछ है, और छाछ को तड़का दिया यानी कि लहसुन, मिर्ची, धनिया डाल के उसको थोड़ा गर्म किया तो उससे मट्टा बनता है। तो अभी इसके ऊपर क्या क्या लिखा है, सरला को इस काम के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अभी क्या क्या, सरला को मट्टा बनाना है, दही से मट्टा बनाना है तो क्या क्या लगेगा, उनके नाम लिखो। एक तो बड़ी हंडी चाहिए,
उसमें दही डालने के बाद पानी डालना पड़ेगा, फिर उसको रई चाहिए घुसलने के लिए, हैं भिलोने के लिए पानी चाहिए उसमें डालने के लिए ठंडा पानी, जब ठंडा पानी डालोगे तो ही मक्खन ऊपर आता है, तो आदि चीज़ें इसके लिए चाहिए, दही रई और क्या चाहिए, हंडी चाहिए, तभी मट्टा बन जाएगा। अभी बिलोना, घोलना और फेंटना, इन तीनों कामों में क्या फर्क है? अभी बिलोना, घोलना और फेंटना, इनमें क्या क्या फर्क है? अलग अलग है ये सब, अलग अलग है, एक ही है क्या? नहीं है। तो देखो, बिलोना किसे कहते हैं? जब किसी चीज को रई आदि से मथने है, तो मथना यानी के उसे घुसेड़ देना ऐसा है, तो बिलोना कहते हैं, उसे कहते हैं बिलोना, यानी के दही पानी डाल के जब हम घुसेड़ते हैं रई से, तब उसे बिलोना कहते हैं। घोलना किसे कहते हैं? देखो, जब किसी तरल पदार्थ में कोई घुलने वाली चीज पूरी तरह मिला देते हैं, जैसे कि समझो शक्कर है पानी में हम, या दूध में शक्कर हमने डाला, या कॉफी में शक्कर डालते हैं, तो चम्मच लेके उसे क्या करते हैं? घुलाते हैं, ऐसे घुलाना उसे बोलते हैं, घुलाना यानी कि किसी तरल पदार्थ में जो पदार्थ डाला है उसमें उससे मिलाना, उसे बोलते हैं घुलाना। जैसे कि दूध में शक्कर, दवा में हम क्या शहद डालते हैं, शहद डाल के भी घोलते हैं ना, मिक्स करते हैं, नमक डाल के घोलते हैं, वैसे उसे बोलते हैं घुलाना। अभी फेंटना, फेंटना किसे कहते हैं? भजिया बनाते हैं ना, भजिया बनाते हैं, तभी बेसन का आटा जो रहते हैं उसमें पानी डाल के हम ऐसा फेंटते हैं, या अंडे का ऑमलेट बनाते हैं तभी अंडा तोड़ के एक गिलास में लेते हैं, उसमें नमक डालते हैं और ऐसा फेंटते हैं, हैं उसे बोलते हैं फेंटना। तो देखो, ये आपको इधर तक हम रुकते हैं, हैं। देखो, जब किसी चीज को हाथ की उंगलियों से पूरी तरह मिला देते हैं तो उसे फेंटना कहते हैं, जैसे पानी मिलाकर बेसन फेंटते हैं, या ऑमलेट बनाने के लिए अंडा फेंटते हैं, जैसे बिलोते हैं, घोलते हैं और फेंटते हैं। ऐसी चीज़ें क्या क्या है? बिलोते क्या क्या है? हम दही दूध उसमें शक्कर या नमक मिला के, या अक्सर दूध में या दही में नमक डालते हैं, लेकिन दूध में नमक नहीं डाला जाता है। घोलते क्या क्या है? दवा में शहद डाल के घोलते हैं, शक्कर डाल के घोलते हैं, नमक, ये पानी में भी शक्कर डाल के, या शरबत बनाते हैं नींबू का तो उसमें शक्कर नमक डाल के उसे घोलना पड़ता है। फेंटते क्या क्या है? तो अंडा फेंटते हैं, और भजिया या वैसे बेसन का कुछ बनाना है तो बेसन का आटा या कॉफी भी हमें फेंटनी पड़ती है, ठीक है, ये फेंटने वाली चीज़ है। तो देखो बच्चों, आज यहाँ पे हम रुकते हैं, इसके आगे के सवाल जवाब यानी कि क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर हम अगली ताशिका में बचा हुआ देखते हैं। तब तक आप जितना हमें सवाल किया है, जितना देखा है उधर तलक का, ये आपका होमवर्क समझ के लिखा करो, मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा, आपको ये लिखना है, जितना होता है उतना लिखते चलो, ताकि आपको भी ज़्यादा होमवर्क ना करना पड़े, ठीक है। अच्छे हैंडराइटिंग निकालो, आपका दिन शुभ गुजरे, धन्यवाद।